तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो पहले प्रोज के बारे में बात करते हैं। पहला प्रोज ये है इसका कि इसका माइलेज काफ़ी अच्छा है, 40-45 माइलेज देती है और इसमें डेल्टा बॉक्स एलुमिनियम फ्रेम है। तो ये दो पॉइंट हैं। और तीसरा पॉइंट बताना चाहूँगा, इसका सिटिंग पोजिशन काफ़ी अच्छा है। मैं आपको यहाँ पर सिटिंग पोजिशन करके दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा सिटिंग पोजीशन है क्योंकि R15 वर्जन 3 का जो सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी बेंड डाउन है, लीन है एकदम, और जो इसका है एकदम स्ट्रेट है, जो कि आपकी बैक के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ये पूरा नेकेड वर्जन है और इसमें स्लीपर क्लच दिया हुआ है। नेकेड बाइक में स्लीपर क्लच दिया हुआ है और ये काफ़ी लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू V3, क्योंकि ये पूरा नेकेड है। सामने से पूरा इसका जो नेकेड वर्जन है, खाली ये इसकी जो है ट्रांसफॉर्मर वाली लाइट है। और देख सकते हैं आप R15 V3 में इसका पूरा एकदम चेंजेस दिया हुआ, जिसकी वजह से इसका वेट थोड़ा और इंक्रीज़ हो जाता है। और इसमें काफ़ी कुछ अच्छा दिया हुआ है। तो ये थे 5 के बारे में बात करेंगे, जो इसके 5 कॉन्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो नाम इज़ नॉट अवेलेबल इन एलुमिनियम, सो ये काफ़ी पहला कॉन्स है इसका। आर कॉन्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें सेकंड कॉन्स मुझे ये लगा, क्योंकि इसमें काफ़ी वेरिएंट नहीं है, इसमें खाली दो ही वेरिएंट है, एक ये है और एक वो सामने खड़ा हुआ ब्लू कलर। थर्ड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, थर्ड कॉन्स ये है इसका USD फोक्स नहीं है, जो कि जो फॉरेन वर्जन है उसमें USD फोक्स है। इसमें टेलीस्कोपिक फोक्स है जो सेम R15 V3 में है, तो वही चेंज किया है। मैं समझ रहा था कि सेम, अगर ड्रॉबैक इसकी मुझे ये लगी कि इसमें सिंगल चैनल ABS है, तो ये इसका सबसे बड़ा कॉन्स है, एल्युमिनियम नहीं है। नाम इज़ नॉट अवेलेबल इन एल्युमिनियम फ्रेम, जो कि R15 V3 में है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि मैं कॉन्स और प्रोज बताने वाला था ये MT15 के। तो आप ये कॉन्स और के आप MT15 ले सकते हो। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बताया था, देखिए इसका पूरा रिव्यू दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। मैंने टेस्ट राइड भी ली है और अगर स्पेस बाइक आती है सबसे पहले लखनऊ में यहीं पे आती है। अगर आपको वीडियो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग LK बाइकर्स, हैव अ ग्रेट डे।